Today we are going to discuss about the Thevenin's theorem. Thevenin's theorem में हम क्या find out करते हैं? The load current in the load resistance. The statement of Thevenin's theorem is any two terminal linear network containing energy sources and impedances can be replaced with an equivalent circuit consisting of a voltage source E dash in series with an impedance Z dash. E dash is the open circuit voltage between the terminals of the network and Z dash is the impedance measured between terminals with all energy sources being replaced by their internal resistance. This is the statement of the Thevenin's theorem. Now हमारे पास क्या है कि इसमें एक voltage source है, इस circuit है हमारे पास. इस circuit में हमारे पास voltage source E है. Z1 impedance, Z2 एक impedance है, Z3 एक impedance है. और ये टर्मिनल आउटपुट पर हमारे पास लोड इम्पीडेंस क्या है? ZL है. ZL है. इस मेश ये 1 है और ये मेश 2 है. इस मेश 1 में I1 करंट फ्लो हम सपोज करते हैं फ्लो कर रही है और मेश 2 में करंट जो है IL फ्लो करती है. डायरेक्शन ऑफ द करंट आर शोन इन द सर्किट. तो ये हमने सपोज किया कि ये सर्किट इस सर्किट के इक्विवेलेंट हो जाता है. इसमें ये जो वोल्टेज सोर्स है ई ई डैश से रिप्लेस हो जाता है और ये जो है पूरा कॉम्बिनेशन ये किससे कन्वर्ट हो जाता है? जेड डैश से. और ये ए बी के क्रॉस हमारे पास लोड इम्पीडेंस है ही हमारे पास. हमें फाइंड आउट करना है द लोड करंट आई एन. अब देखिए आप इसमें मैश इन मैश वन फर्स्ट ऑफ ऑल भी अप्लाई द किरचॉफ लॉ इन मैश वन. तो ये I1 करंट फ्लो करती है इसमें. तो E will be equal to I1 into Z1 plus Z3 क्योंकि दोनों में करंट I1 फ्लो करती है. तो I1 Z1 plus Z3. IL जो है वो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगी. इन दिस डायरेक्शन हो जाएगी IL. तो माइनस IL Z3 हो जाएगा. नाउ इन मैश 2 आप अप्लाई करिए किरचॉफ लॉ. तो ये देखिए आप IL जो फ्लो करती है वो Z2 ZL और Z3 में फ्लो करती है. तो यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इसमें मैच 2 में. तो 0 विल बी इक्वल टू IL Z2 प्लस Z3 प्लस ZL हो जाएगा. नाउ ये जो I1 करंट है ये तो IL फ्लो करती है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड और ये जो I1 है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो जाएगी. तो ये माइनस में हो जाएगी क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव लिया. तो ये माइनस में हो जाएगी. तो माइनस I1 Z3 हो जाएगा. अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो I1 की वैल्यू IL Z2 प्लस Z3 प्लस ZL डिवाइड बाय Z3 के इक्वल आती है. इसको I1 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए आप. तो E will be equal to IL Z2 plus Z3 plus ZL divided by Z3 into Z1 Z plus Z3 minus IL Z3 आ जाएगा. IL कॉमन ले लीजिए इसमें. तो ये हमारे पास Z2 plus Z3 plus ZL ब्रैकेट में फिर Z1 plus Z3 ब्रैकेट में डिवाइड बाय Z3 minus Z3 आ जाएगा. और इसको IL को हम क्या करेंगे इसमें क्या नाम Z3 हमने कॉमन ले लिया. तो Z3 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी आ जाएगी माइनस जेड थ्री स्क्वायर बाकी ये अभी जेड थ्री. तो ई जेड थ्री डिवाइड बाई हमारे पास इसको ओपन कर लीजिए. तो जेड टू जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री प्लस जेड थ्री जेड वन प्लस जेड थ्री स्क्वायर प्लस जेड एल जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री माइनस जेड थ्री स्क्वायर. और ई जेड थ्री डिवाइड बाई जेड टू प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री प्लस जेड एल जेड वन प्लस जेड थ्री ब्रैकेट में प्लस जेड वन जेड थ्री आ जाएगा. तो E will be equal to Z1 plus Z3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें इसको. तो डिवाइड अगर हम कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? E Z3 divided by Z1 plus Z3 Z2 plus Z1 Z3 divided by Z1 plus Z3 plus Z आ जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम E dash लिखते हैं और इस पूरी क्वांटिटी को Z dash लिखते हैं. तो IL will be comes out equal to E dash divided by Z1 plus Z dash. तो E dash की वैल्यू क्या है इसमें? E Z3 divided by Z1 plus Z3 into E और Z dash की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? Z2 plus Z1 Z3 divided by Z1 plus Z3. Now इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? That we have to find out. तो how can we can find out? ये हम सर्किट लेते हैं, स्टेप वन करते हैं. इसमें हमने ZL जो है AB जो टर्मिनल है इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया. तो ओपन अगर हम इसको कर दें तो अगर हम इसकी वैल्यू E dash की वैल्यू क्या कहाँ फाइंड करें? AB के अक्रॉस इसको ओपन करने के बाद तो ये सर्किट हमारे पास बन जाएगा. अगर AB टर्मिनल को ओपन करते हैं तो AB टर्मिनल को ओपन हमने किया तो ये हमारे पास हमने सपोज किया कि इस मैश इन मैश वन हमारे पास जो है करंट क्या कौन सी फ्लो करती है? I2 फ्लो करती है.
तो आई टू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टेंसेस या इम्पीडेंसेस। तो आई टू विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड थ्री, और इसके वोल्टेज अक्रॉस ई डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, आई टू इंटू जेड थ्री ई डैश, एंड ई डैश जो हमारे पास हो जाएगा, ई डैश की वैल्यू हो जाएगी आई टू इंटू जेड थ्री। आई टू हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो आई डैश की आई टू की वैल्यू इसमें पुट अप करती है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और ये क्वांटिटी हमारे पास जेड थ्री डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड थ्री इंटू ई। तो ये जो किसके इक्वल है, जो हमने सपोज किया था उसी के इक्वल आ गई। तो इस तरह से हम जो है ई डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन द सर्किट। नाउ जेड डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इन द सर्किट, हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसका है नहीं कुछ भी, तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जेड वन जेड टू डिवाइड बाई जेड थ्री आ जाएगा, और ये उसको हमने टर्मिनल जो है ये भी क्या कर दिया, हमने ओपन कर दिया। तो ये दोनों जेड वन जेड थ्री क्या है, पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड वन जेड थ्री डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड थ्री, और ये जेड टू इसमें सीरीज में आ जाएगा। तो जेड डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड थ्री। तो जेड डैश हमारे पास आ जाएगा जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड थ्री। यही जो जेड डैश की वैल्यू है वो इससे मैच करती है, तो सेम वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर ये हमारे पास सेम आ गई। तो दस द ट्रूथ ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम एस्टेब्लिश्ड, ये पूरा थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में है हमारे पास, और कैसे हम इसको ई डैश और जेड डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने जो सर्किट है इसमें जो हमारे पास गिविन था पहले, उस सर्किट को हमने इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, जिसमें ई डैश सोर्स और जेड डैश सोर्स है, और ई डैश और जेड डैश सोर्स की वैल्यू जो है हम अपने स्टेप वन और स्टेप टू तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कर सकते हैं जस्ट वे में। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके इक्विवेलेंट सर्किट बना के और लोड करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और कैसे लोड करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हो, इम्पीडेंस की वैल्यू दी हो, तो कैसे हम लोड करंट की वैल्यू निकालेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।